ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है, तो इसका कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव दिखाई देगा। तो देखिए, 14 जनवरी 2022 की दोपहर में 2:30 पर सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं और अगले एक महीने तक मकर राशि में ही संचरण करने वाले हैं। 15 फरवरी 2022 तक सूर्य का मकर राशि में गोचर होने से कई राशि वाले जातकों के ऊपर अलग अलग प्रभाव दिखाई देगा। इसका कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले सूर्य के प्रभाव के बारे में आपको जानकारी देंगे, सूर्य के यह इस राशि परिवर्तन का क्या महत्व रहेगा, उसके पश्चात कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव दिखाई देगा और कुंभ राशि वाले जातकों को दो बड़ी सावधानियां रखनी चाहिए, यह भी आपको जानकारी जरूर देंगे। तो देखिये, वैदिक ज्योतिष में सूर्य का बहुत और विशेष महत्व है, क्योंकि जिस प्रकार चंद्रमा को मन का, मंगल को साहस का कारक ग्रह माना जाता है, वैसे ही सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह माना जाता है। सूर्यदेव को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र, मान सम्मान की प्राप्ति, सत्ता, सुख, राजनीतिक जीवन, सरकारी क्षेत्र का कारक ग्रह माना जाता है। सूर्यदेव को विशेष रूप से पौराणिक समय से ही सूर्यदेव का विशेष और गहरा महत्व है। जन्म कुंडली पर जब किसी व्यक्ति का आत्मबल देखना होता है, निर्णय लेने की क्षमता, सम्मान प्राप्ति होगी या नहीं होगी, सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह सारी चीजें सूर्य को देखकर ही जाना जाता है। यदि सूर्य बली हो तो व्यक्ति में आकर्षण क्षमता, सम्मान की प्राप्ति होती है। वहीं सूर्य के बली होने पर कुंडली पर चाहे कितने भी ग्रह पीड़ित हों, पर जीवन में जातक हर क्षेत्र में उपलब्धि जरूर अर्जित कर लेता है। वहीं सूर्य यदि पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति को उदासीनता, आत्मविश्वास में कमी, बालों का झड़ जाना, हड्डियों और आंखों का रोग देखने के लिए मिलता है, तेज बुखार और पीलिया की समस्या, पिता के साथ संबंध खराब होना, वहीं सरकारी क्षेत्र में अधिक मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर जीवन में मिलता है। सूर्य को क्षत्रिय वर्ण, लाल रंग और पूर्व दिशा का प्रतीक माना जाता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको बता दें, मकर राशि के ऊपर शनि भी गोचर में मौजूद हैं और राहु देव की दृष्टि सूर्य के ऊपर आएगी तो राजनीतिक जीवन में बड़े बदलाव दिखाई देंगे, प्रशासनिक क्षेत्रों में बड़े बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। वहीं प्रकृति का भीषण और दुष्प्रभाव भी प्रकृति के द्वारा जरूर दिखाई देगा, जिसमें बारिश की प्रबल संभावना निर्मित देश के कई कोनों में हो सकती है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यदि जानकारी दिया जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों की चंद्र राशि के ऊपर यह फलादेश निर्मित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। कुंभ राशि वाले जातकों, आपके राशि के द्वादश भाव में सूर्य शनि की युति बनने वाली है, सूर्यदेव का गोचर होने वाला है। द्वादश भाव में सूर्यदेव मौजूद होकर विदेश से संबंधित चीजों में कुंभ राशि वाले जातकों को लाभ देने वाले हैं, खर्च की वृद्धि कराने वाले हैं। यदि पूर्व के समय से आपका धन संचय बना हुआ था, उसके खर्च होने की प्रबल संभावना दिखाई देगी। कर्ज की स्थितियां यदि जीवन में बनी हुई थी, उस कर्ज में आपको वृद्धि नहीं करना है, इस समयावधि में करियर के क्षेत्र में उत्साह निर्मित होगा और करियर में सफलता देखने के लिए मिलेगी। कर्ज लेने से आपको जरूर बचना होगा। व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए कुंभ राशि वाले जातकों के लिए व्यापारिक जीवन में लापरवाही बरतने से बचना चाहिए। यदि पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो आप सावधानी पूर्वक कदम जरूर बढ़ाएं। अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखकर कुंभ राशि वाले जातकों को चलने की आवश्यकता रहने वाली है, अन्यथा हड्डियों और घुटने से जुड़ी हुई समस्याएं, पेट से जुड़ी हुई समस्या और नेत्रों से जुड़ी हुई समस्याएं आपको देखने के लिए जरूर मिल सकती है। कुंभ राशि वाले जातक यदि वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं तो वैवाहिक जीवन में व्यर्थ का वैचारिक मतभेद और नोकझोंक उत्पन्न करने से जरूर बचने की आवश्यकता
रहने वाली है। समन्वय बनाकर चलें और विवाद के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने पर बिल्कुल भी विश्वास ना रखें। कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में यदि शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातक हैं उनको विशेष सफलता देखने के लिए जरूर मिलेगी। शिक्षा में प्रगति और उन्नति होती हुई जरूर नजर आने वाली है। अब दो बातें ऐसी कौन सी है जिसको कुंभ राशि वाले जातकों को ध्यान रखकर चलना चाहिए? सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों को व्यर्थ का खर्च करने से बचना चाहिए। बड़ा निवेश यदि आप जीवन में कहीं पर कर रहे हैं तो यहां पर विशेष सावधानी जरूर रखें। दूसरा, कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने से बचना चाहिए, यानी ओवर कॉन्फिडेंस में चलकर आप बिल्कुल भी जीवन में आगे ना चलें। अनुभवी व्यक्ति की राय जीवन में जरूर लेते रहें। सूर्य के शुभ प्रभाव को अर्जित करने के लिए यदि जन्म कुंडली पर सूर्य की स्थितियां खराब बनी हुई हैं तो पानी में रोली मिलाकर सूर्य को नित्य प्रति जल अर्ध देना आपके लिए श्रेष्ठ और अनुकूल रहेगा। ओम आदित्याय नमः नामक मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अपने पिता और बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का आदर सत्कार जरूर करते रहें और इस एक माह की समयावधि में अपने जेब में लाल या गुलाबी रंग का रुमाल जरूर रखें। सूर्यदेव से जुड़ा हुआ हर प्रेरित प्रभाव आपके जीवन से दूर जरूर होगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।